नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। घर के बाहर लाठी डंडे बरसाने का ये वीडियो पर्वतीय कॉलोनी का है, जहां पर कुछ बदमाशों ने घर पर पत्थर और लाठी डंडे बरसाए। हालांकि ये मामला इन लोगों ने क्यों किया ये तो अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर ये हमला किया गया है। मौके पर 112 नंबर जिप्सी को सूचना देकर बुला लिया गया है, लेकिन बदमाशों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने पुलिस से भी बदतमीजी की। मकान मालिक की माने तो पुलिस से बदतमीजी की गई तो और भी पुलिस मौके पर बुलाई गई है और तब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रत्यक्षदर्शी की माने तो बदमाशों की संख्या करीब 8 थी और वे अमन के घर के बाहर लाठी डंडे और पत्थर बरसा रहे थे। इस हमले में अमन के घर का मीटर भी टूट गया। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो पुलिस मौके पर पहुंची तो इन बदमाशों ने पुलिस के साथ भी काफी बदतमीजी की थी। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संजय पांडे मैम। कौन लगते हैं आप इनके? जी मैं एक पड़ोसी भी हूँ और रिश्ते में चाचा भी लगता हूँ उनका। आपने उस समय जब ये वारदात हुई आपने देखा था, उस समय मौजूद थे आप वहाँ पे? जी मैं वहाँ मौजूद था। अचानक से रात के 12 बजे के आसपास इनके गेट पे डंडे पीटे जाने लगे, ईंटे उछलने लगी। तो क्या कुछ आपने नहीं आया था, क्या हो रहा है, क्या कारण है? आपने कुछ करने की कोशिश नहीं की उस समय? जी मैंने तुरंत ही डायल 112 पे कॉल किया, वहाँ से गाड़ियाँ आई, 3 गाड़ियाँ आई थी, 40 और भी फोन गए थे। जब आए तो उन्होंने इनसे भी बदतमीजी की और डायल 112 से हाथापाई करने का भी प्रयास किया। उन्होंने उसकी भी रिकॉर्डिंग की डायल 112 ने और फोर्स बुलाई चौकी से। जब चौकी से फोर्स गई तो वो पकड़ के लाए डायल 112 के साथ में। जो वीडियो वायरल की जा रही है वो वीडियो किसने बनाई थी? वो जी वो हमारे दूसरे पड़ोसी ने बनाई है जो सामने पड़ता है। पड़ोसियों ने भी उस समय ये वारदात देखी थी? जी बिल्कुल देखी जी। आपका नाम क्या है? अमन नाम है जी। क्या कुछ पूरा मामला है? मैडम रात को एक सुधीर नाम के व्यक्ति उसके साथ 6-7 बंदे गेट पे हमारे डंडे बरसाए, पत्थर बरसाए और साइड में खड़ा टेम्पो हमें मारने के लिए आए थे। लगभग कितने लोग थे साथ में? 7-8 लोग थे। 7-8 लोग थे। क्या कुछ रंजिश वगैरह थी आपकी पहले से इस तरीके से? कोई रंजिश नहीं है। तो फिर क्या लगता है कि अभी जो पुलिस में आपने कंप्लेन वगैरह दे दी है? रात को मैम डायल 112 पे कॉल की थी, रात को पुलिस आई थी हमारे पास, पुलिस से भी सुधीर ने हाथापाई की, जिस दौरान सुधीर को पुलिस ने लाठी चार्ज किया। पुलिस के ऊपर भी लाठी डंडे इन्होंने बरसाए थे क्या? पुलिस से हाथापाई की थी, हाथापाई हुई थी। तो अभी शिकायत वगैरह दर्ज करा दी है, क्या कुछ पूरी मांग है आपकी? दी थी मैम रात को पुलिस इनको पकड़ के ले आई थी, सुबह रात ही इनको छोड़ दिया गया। रात को ही छोड़ दिया गया है? तो प्रशासन से आपने बोला नहीं कि इतनी जल्दी छोड़ दिया इन्होंने, इस तरीके से वारदात की है रात को? कोई बात करके राजी नहीं है। तो क्या कुछ मांग है अभी आपकी? न्याय चाहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।